Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of 10th chapter, page number 180, question number 6. Extend the number pattern. Number pattern ko extend kijiye. Question number 3. 1, 2, 3, 2, 4, 6, 4, 8, 12. तो बाद में कौन सा नंबर आएगा? तो यहाँ पे फर्स्ट थ्री नंबर को देखिए, 1 2 3, तो 1 से 1 आर कौन से कौन सा नंबर? सेकेंड नंबर जो कि 2 है. तो 2 से 1 आर कौन से कौन सा है? 3, जो कि थर्ड नंबर. तो ये फर्स्ट थ्री जो नंबर है, ये नंबर में 1 इंक्रीज हुआ. बाद में 4 5 6, ये तीनों नंबर को देखिए, 2 4 6. तो पहले कौन सा नंबर? 2. 2 से 2 ऐड करने से 4. 4 से 2 ऐड करने से 6. तो यहाँ पे 2 इंक्रीज हुआ. बाद में 4 8 12. तो 4 से 4 ऐड करने से 8. 8 से 4 ऐड करने से 12. तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ? 4 इंक्रीज हुआ. तो पहले कितना इंक्रीज हुआ? 1, बाद में 2, बाद में 4. तो 1 का डबल जो क्या है? 2. 2 का डबल 4. तो अभी 4 का डबल जो क्या है? 4 प्लस 4, दैट इज कॉल 8. तो अभी 8 इंक्रीज होगा. तो 8 इंक्रीज होने से तो 12 के बाद कौन सा नंबर आएगा? तो पहले क्या आएगा? 8. तो 8 से 8 ऐड करने से कितना होगा? 8 प्लस 8, दैट इज इक्वल टू 16. देन 16 से 8 ऐड कीजिए, 16 प्लस 8, 6 प्लस 8, 14. राइट डाउन 4 कैरी 1, 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 24. तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? 24. तो अभी देखिए, 1 2 3, 2 4 6, 4 8 12, 8 16 24. Then next come to the question number 4. 17 34 18 36 19. तो 19 के बाद कौन सा नंबर आएगा? तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टू नंबर 17 एंड 34. तो 17 2 जा 34, 17 से 2 मल्टीप्लाई करने से कितना होता है? 34. बस 17 का डबल जो है 34. बाद में 17 के बाद कौन सा है? 18. तो 18 को डबल कीजिए, 18 2 जा 36. तो 18 के बाद कौन सा है? 19. तो 19 को अभी डबल कीजिए, 19 2 जा 19 प्लस 19 9 9 जा 9 प्लस 9 18. राइट डाउन 8 कैरी 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, 38. तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? 38. 19 2 जा 38. तो पहले 17, बाद में 18, बाद में 19. तो 19 के बाद कौन सा आएगा? 20. तो अभी 20 को डबल कीजिए, 20 प्लस 20, नहीं तो 22 जा 2 0 जा 0 2 2 जा 4 40. तो अभी देखिए, 17 2 जा 34, 18 2 जा 36, 19 2 जा 38, 20 2 जा 40, 17 18 19 20. Then next come to the question number 5. 6 12
ट्वेल्व सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी टू थर्टी सिक्स फिफ्टी फोर, तो 54 के बाद कौन सा नंबर आएगा? तो यहाँ पे देखिए सिक्स और ट्वेल्व, सिक्स और ट्वेल्व में डिफरेंस कितना है, दैट इज सिक्स। बाद में ट्वेंटी टू ट्वेल्व, ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू ट्वेल्व में डिफरेंस कितना है, दैट इज टेन। देन थर्टी सिक्स ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू थर्टी सिक्स में डिफरेंस कितना है, फोर्टीन। बाद में थर्टी सिक्स फिफ्टी फोर, ये दोनों में डिफरेंस कितना है, एटीन। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टू जो नंबर में डिफरेंस कितना है, सिक्स। बाद में सेकेंड थर्ड नंबर में डिफरेंस कितना है, टेन। बाद में थर्ड फोर्थ नंबर में डिफरेंस कितना है, फोर्टीन। तो यहाँ पहले डिफरेंस कितना था, सिक्स। बाद में डिफरेंस कितना इंक्रीज हुआ, फोर इंक्रीज हुआ, दैट इज टेन। बाद में डिफरेंस कितना इंक्रीज हुआ, टेन प्लस फोर फोर्टीन। बाद में कितना इंक्रीज हुआ डिफरेंस, फोर्टीन प्लस फोर एटीन। तो 54 के बाद अभी कौन सा नंबर आएगा? तो 18 से, तो 54 के बाद कौन सा नंबर आएगा? तो जो नंबर आएगा 54 और नंबर में डिफरेंस कितना होगा, 18 प्लस 4, दैट इज कॉल्ड 22। तो फिर 54 से 22 ऐड कीजिए, 54 22, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 2 7, दैट इज कॉल्ड टू 76। एटीन प्लस फोर ट्वेंटी टू, तो यहाँ पे 76 लिखिए। देन तो 54 76 में डिफरेंस कितना है, दैट इज 22। तो 76 के बाद जो नंबर आएगा 76 और वो नंबर में डिफरेंस कितना होगा, 22 प्लस 4, दैट इज कॉल टू 26। 26 डिफरेंस होगा। तो फिर 76 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 76 प्लस 26, 76 प्लस 26, 6 प्लस 6 12, 76 प्लस 26, 6 प्लस 6 12, राइट डाउन 2 कैरी 1, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, दैट इज 102, 102। तो 102 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो 102 के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर और 102 में डिफरेंस कितना होगा, 26 प्लस 4, दैट इज कॉल 30। तो 102 के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर और 102 में डिफरेंस कितना होगा, 30। तो फिर 102 से 30 को प्लस कीजिए, 102 प्लस 30, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 3 3, देन 132। तो यहाँ पे 132 लिखिए। देन नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, 2 4 8 16 32। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टू नंबर 2 4, तो 2 का डबल जो है वो क्या है, 4 है, नहीं तो 2 से 2 मल्टीप्लाई करने से 4। बाद में तो सेकेंड नंबर को अभी डबल कीजिए, 4 टू जा 8 जो कि थर्ड नंबर, थर्ड नंबर को डबल कीजिए, 8 टू जा 16, देन 16 टू जा 32। तो यहाँ पे देखिए 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। तो 32 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 32 को डबल कीजिए, 32 टू जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 64। तो यहाँ पे 64 लिखिए। बाद में 64 2 जा 2,
2 4 8, 2 6 12, 128. तो अभी 128 को डबल कीजिए, 128, 2 8 16, राइट डाउन 6 कैरी 1, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 2 2 1 2, 256. तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 256. Then next come to the question number 7. Fill in the blanks by selecting the correct alternative for the number pattern given below. Fill in the blanks by selecting the correct alternative for the number pattern given below. यहाँ पे जो number pattern दिया गया, सही number pattern को लेकर ये blanks को फिल अप कीजिए. फर्स्ट नंबर 26, 30, 34, 38, 42. तो 42 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो यहाँ पे देखिए 26 एंड 30 दोनों में डिफरेंस कितना है, 4 है. 26 से 4 प्लस करने से कितना होता है, 30. 30 से प्लस 4 करने से 34. 34 से प्लस 4 करने से 38. 38 से प्लस 4 करने से 42. बाद में 42 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 42 से 4 प्लस कीजिए, 42 प्लस 4, 2 प्लस 4 6, देन 4, 46. तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 46. तो 46 से प्लस 4 करने से कौन सा नंबर आएगा, 50. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी ऑप्शन, 46 एंड ए 50. देन क्वेश्चन नंबर 2, 49, 44, 39, 34 एंड 29. तो 49, 44 में डिफरेंस कितना है, 49 माइनस 44, 9 माइनस 4 दैट इज कॉल्ड 5, 4 माइनस 4 दैट इज कॉल्ड 0. तो 5 डिफरेंस है. तो 49 माइनस 5 दैट इज कॉल्ड 44, देन 44 माइनस 5, 44 माइनस 5, 4 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, बोरो 1 टेन फ्रॉम 4, then 4 changes to 3, 1, 4 changes, this 4 changes to 14. So 14 minus 5, 14 minus 5, that is equal to 9. So sorry, फिर से एक बार, 49 माइनस 44, 49 माइनस 44 दैट इज कॉल टू 5, 44 माइनस 39, 44 से 39 को माइनस कीजिए, 44 माइनस 39, 4 माइनस 9 नॉट पॉसिबल, बोरो 1 टेन फ्रॉम 4, देन 4 चेंजेस टू 3 एंड दिस 4 चेंजेस टू 14. 14 माइनस 9 दैट्स कॉल 5, 3 माइनस 3 दैट्स कॉल 0. तो डिफरेंस कितना है, 5. तो यहाँ पे देखिए 49 माइनस 5 दैट्स कॉल टू 44, 44 माइनस 5 दैट्स कॉल टू 39. तो 39 से माइनस 5 दैट्स कॉल टू 34, 34 माइनस 5 दैट्स कॉल टू 29. तो अभी 29 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो 29 से 5 माइनस कीजिए, 29 माइनस 5 दैट इज कॉल टू 24. तो 24 से 5 माइनस कीजिए, दैट इज 19. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, देखिए 24 19 लिखा है, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन
को राइट कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 3, 41, 51, 61, 71, 81। तो 41, 51 में डिफरेंस कितना है? 51 माइनस 41, 51 माइनस 41, 1 माइनस 1 दैट इक्वल 0, 5 माइनस 4 1, 10 डिफरेंस है। देन 51, 61 डिफरेंस कितना है? 10। तो 41 से 10 प्लस करने से कितना होता है? 51। तो 51 से 10 प्लस करने से 61, 61 से 10 प्लस करने से 71, 71 से 10 प्लस करने से 81। तो 81 के बाद कौन सा नंबर आएगा? तो 81 से 10 प्लस कीजिए, दैट इज 91। 91 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 91 से 10 प्लस कीजिए, दैट इज इक्वल टू 101। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन में 91 और 101 लिखा है, दैट इज बी। देन नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, 94, 85, 76, 67, 58। तो 94 और 85 ये दोनों में डिफरेंस कितना है? 94 85, 4 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, बोरो 1 टेंस फ्रॉम 9, 9 चेंजेस टू 8, 4 चेंजेस टू 14, 14 माइनस 5 दैट इज कॉल्ड 9, 8 माइनस 8 दैट इज कॉल्ड 0। तो डिफरेंस कितना है? 9। तो 94 से 9 माइनस करने से कौन सा है? 85। देन 85 से 9 माइनस करने से 76, 76 से 9 माइनस करने से 67, 67 से 9 माइनस करने से 58। तो 58 से 9 माइनस कीजिए तो कौन सा नंबर आएगा? दैट इज 49। 49 से 9 माइनस कीजिए, दैट इज 40। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन में 49, 40 लिखा है, दैट इज सी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 5, 18, 25, 32, 39, 46। तो 18, 25 में डिफरेंस कितना है? दैट इज कॉल्ड टू 7। तो 18 से 7 प्लस करने से 25, 25 से 7 प्लस करने से 32, 32 से 7 प्लस करने से 39, 39 से 7 प्लस करने से 46। तो अभी 46 से 7 प्लस कीजिए, 46 प्लस 7 दैट इज कॉल्ड टू 53, 53 प्लस 7 दैट इज कॉल्ड टू 60। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन में 53 और 63 लिखा है? ए ऑप्शन। देन नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 10, 11, 22। तो 22 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 2, 4, 5, 10, 11, 22। तो फर्स्ट टू नंबर को देखिए, 2 और 4, 2 और 4 में डिफरेंस कितना है? 2 डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए 2 को 2 प्लस करने से कितना होता है? 4। नहीं तो 2 से 2 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4। बाद में थर्ड फोर्थ नंबर देखिए, 5 से 2 मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10। बाद में फिफ्थ और सिक्स नंबर देखिए, 11 से 2 मल्टीप्लाई करने से कितना होता है? 22।
तो पहले कितना आया, टू फोर, बाद में फोर के बाद कौन सा आया, फाइव, फाइव टेन, तो टेन के बाद कौन सा है, इलेवन, इलेवन का 22, बाद 22 के बाद कौन सा आएगा नंबर आएगा 23, तो 23 यहाँ पे लिखिए, तो 23 को 2 मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज़ कॉल टू 46। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन में 23 और 46 लिखा है, डी ऑप्शन में।